بسم الله الرحمن الرحيم. टेक्निक है, ये है राइट तरीका किसी भी टीचिंग मेथडोलॉजी को सीखने का. सबसे पहले आपको अप्रोच का बताओ, स्टूडेंट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड. हमने लर्नर सेंटर्ड अप्रोच बना रहे हैं या स्टूडेंट सेंटर्ड, सॉरी टीचर सेंटर्ड अप्रोच बना रहे हैं. तो पहले अप्रोच की डायमेंशन अलग हो गई, उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग क्या होगा मेथड, फिर उस मेथड के प्रोसीजर्स आ जाएंगे. कैसे करना है, प्रोसीजर्स क्या बताते हैं, हाउ टू परफॉर्म दैट मेथड. उस मेथड और प्रोसीजर की बेस पर आप एक टेक्निक बनाएंगे. जैसा कि मैंने वो ग्लोब एक्टिविटी बताई थी, वो टेक्निक थी, उसमें अप्रोच थी मेरी लर्नर सेंटर्ड के. मैंने उन बच्चों को भी इन्वॉल्व करना था जो मेरी तरह एब्सेंट माइंडेड थे, घर से तैयार करके आए थे आज पढ़ना नहीं, लेकिन आपने पढ़ाते छोड़ा उनको. ऐसे ही है, तो आपने क्या किया, फिर मैंने एक मेथड डिफाइन किया. अच्छा, अप्रोच बच्चों को इन्वॉल्व करना है, बच्चों के लिए बनानी है, मैंने कम बोलना है, बच्चों ने ज्यादा इन्वॉल्व होना है. उसके बाद क्या था मेथड, मेथड क्या था मेरा, मेथड ये था कि मैंने एक्टिविटी करवानी है, गेम बेस्ड लर्निंग करवानी है. मेथड उसका प्रोसीजर बनाया, मैं प्रोसीजर में इसको कैसे परफॉर्म करूंगी, मैं ग्रुप बनवाऊंगी, मैं ग्रुप बनवा के बच्चों के जेनों को उभारूंगी और इस तरह से करूंगी और ये मेरे लर्निंग रिसोर्सेज होंगे उसमें. और उसके बाद टेक्निक क्या लगा दी, एप्लीकेशन, आते ही ग्रुप बनाए, सब कुछ किया और उसको परफॉर्म कर दिया. तो हर चीज एक दूसरे से क्या है, लिंक है. तो अब मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूंगा. بني الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى. بني الإسلام على خمس، خمسة أركان في الدين، صوم وصلاة وزكاة، حج والشهادتين، وأكلم ربي خمسا، أطهر بدني بصلاة بوضوئي. اب میں کچھ میتھڈز آپ کو بتا دیتا ہوں جو اس وقت چل رہے ہیں. لیکچر میتھڈ ایک عام طریقہ ہے جو سارے اڈاپٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈسکشن میتھڈ, टॉपिक दे दें, बच्चों के ग्रुप बना दें, फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन में कुछ चीज यहाँ पे प्रेजेंट कर दें, बच्चों को कहें आए यहाँ पे प्रेजेंट करें, चार्ट्स को बना के दें. उसके बाद रोल प्लेइंग मेथड, रोल प्लेइंग मेथड क्या होता है, बच्चों के रोल्स बना दें. अच्छा, तुम कायदे आजम, तुम इलाहाबाद इकबाल, तुम फातिमा जना, तुम ये रोल प्लेइंग. अच्छा, स्टोरी क्रिएट करें, बच्चों के रोल्स क्रिएट करवाएं, बच्चों से डिवेलप करवाएं, ठीक है, ओके. उसके बाद असाइनमेंट मेथड, होम असाइनमेंट दे दें. जैसे आपने जब गूगल वो नेविगेशन एक्टिविटी करवाई थी डायरेक्शंस टॉपिक पे, तो बच्चों को एक एक्टिविटी दी थी, मामा के जाके मोबाइल में क्या सर्च कर रहे हैं, याद है, माशाल्लाह, दैट्स अ गुड. तो असाइनमेंट मेथड बनाए, वो असाइनमेंट डिजाइन करे जो अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव हो, एंजॉयबल हो बच्चों के लिए, बच्चे क्लास से बाहर जाकर भी आपसे जुड़े रहे, उनके लिए लर्निंग बहुत फन बन जाए, वो रोड लर्निंग से बाहर निकल आए, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ मूव कर जाए. फिर अगला मेथड आप भी करें, आप अपने आप को डेवलप करें. ये कोई अनोखे मेथड्स नहीं है, बहुत आसान है. इन पर अलग एक ट्रेनिंग है इनकी डिटेल पे कि किसके क्या प्रोसीजर्स और क्या मेथड्स होते हैं, मॉडल लेसन बने हुए हैं. तो इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो उस पर भी हम बात करेंगे. तो आपको पता चल गया, तो अगला खाना आप बनाएंगे अपना, अगला खाना क्या बनाएंगे, टीचिंग मेथड एंड टेक्निक, टीचिंग मेथड एंड टेक्निक. तो आप अपने इस लेसन पर ये मेथडोलॉजी आज अप्लाई करेंगे. लिख लीजिए जल्दी से, हरियाणा बुनियल इस्लाम.
خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم